हे गाइस, वेलकम टू हिंदी मेट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि रियलमी मोबाइल में ब्लॉक लिस्ट से नंबर कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर आपने किसी का नंबर अनजाने में या जानबूझकर किसी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में यानी कि रिजेक्ट लिस्ट में आपने डाल दिया है और उसको अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं, तो आज के इस वीडियो में यही सीखेंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि ब्लॉक लिस्ट से अनब्लॉक कैसे करते हैं नंबर, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसलिए देखते रहे लास्ट तक, और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, और आपने अभी तक हिंदी मेट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी ऐसी कोई ट्रिक लेकर आओ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायल पैड को ओपन करेंगे। तो चलिए डायल पैड ओपन करते हैं। डायल पैड को ओपन करने के बाद यहाँ से आप नंबर चूज कर लेंगे, यानी कि जो कॉल किया है या कॉल आप किसी को किए हैं उसी लाइन में ये नंबर रहेगा। देख रहे हैं यहाँ से, तो आप जिसको ब्लॉक किए हैं उसको सर्च कर लीजिए। यहाँ से देख रहे हैं मेरा मेरा ही नंबर है, उसको हम ब्लॉक किए। यहाँ पे देख रहे हैं ब्लॉक लिखा हुआ है, तो हम इसको अनब्लॉक करके आपको दिखलाएंगे वो कैसे अनब्लॉक किया जाता है। तो आप वो नंबर चूज कर लीजिए यानी कि जिसको भी आप ब्लॉक किए वो। तो चलिए हम ये ब्लॉक किए हैं, तो इसको हमको अनब्लॉक करना है। तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करके रखेंगे, यानी कि प्रेस करके 3-4 सेकंड रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम प्रेस करके रखें, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ से इसका नंबर मिस हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड नंबर में है अनब्लॉक। तो हम अनब्लॉक पे क्लिक करेंगे। अनब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से हम अनब्लॉक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं जो ब्लॉकेड लिखा हुआ था वो ये ब्लॉकेड हट गया है। आप इस तरह से किसी का भी नंबर अनब्लॉक कर सकते हैं, या अगर आप किसी का नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल दें तो उसको रिजेक्ट लिस्ट से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आपने हिंदी मेट्रिक को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट में एक नए ट्रिक के साथ।